मैं हूँ डीआरएक्स अरविंद चौहान और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट के बारे में जो कि अलग अलग ब्रांड से मार्केट में मिलती है और ये है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg टेबलेट। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूज और साइड इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको बताते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन जो होती है माइक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक टेबलेट होती है। ये है एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती है। तो सबसे पहले हम इसके यूज के बारे में जानते हैं। सबसे पहला यूज होता है इसका टाइफाइड। ये टाइफाइड में देते हैं, टाइफाइड की प्रॉब्लम होती है उसमें देते हैं। उसके बाद आता है मलेरिया, मलेरिया में देते हैं, मलेरिया के पेशेंट को देते हैं। निमोनिया, निमोनिया में भी देते हैं। उसके बाद आता है जेनाइटल इंस्पेक्शन बोथ मैन एंड वुमेन। जो जेनाइटल इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन होती है मैन में और वुमेन दोनों में, उस कंडीशन में हम देते हैं। उसके बाद आता है फेरिंगिटिस। फेरिंगिटिस के मतलब होता है पेन एंड इरिटेशन इन थ्रोट। जो गले में दर्द होती है और जलन होती है, इरिटेशन होती है, उस टाइम हम देते हैं एजिथ्रोमाइसिन। ये इन्फ्लामेशन इन थ्रोट, जब गले में सूजन होती है तब हम देते हैं। उसके बाद आता है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में भी हम देते हैं। उसके बाद आता है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इंस्पेक्शन। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इंस्पेक्शन में देते हैं। जब स्किन में इंस्पेक्शन होती है या सॉफ्ट टिश्यू में इंस्पेक्शन होती है तब हम देते हैं। उसके बाद आता है एड्स पेशेंट, एड्स पेशेंट को भी हम देते हैं। उसके बाद आता है गोनोरोइया, गोनोरोइया पेशेंट को भी हम देते हैं ये एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट। इसके बाद आते हैं हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट जो होता है एब्डोमन पेन। इसका साइड इफेक्ट सबसे पहला होता है, ज्यादा हम टेबलेट कंटिन्यू लेंगे तो पेट में दर्द होना चालू हो जाएगा। उसके बाद हेडेक, दूसरा जो होता है वो हेडेक होता है, सर में दर्द होना चालू हो जाएगा। उसके बाद होता है डायरिया, डायरिया में होता है कि मतलब लूज मोशन हो जाएगा पर्सन को। उसके बाद आती है वोमिटिंग, वोमिटिंग में हमारा उल्टी होने लगेगा। उसके बाद आता है डिजीनेस, डिजीनेस मतलब ये होता है चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन होने लगेगा। गैस्ट्रिक अपसेट, गैस्ट्रिक अपसेट में होता है कि जैसे गैस की प्रॉब्लम होगी, पेट में जलन होंगे, उस इसमें इसका साइड इफेक्ट है। उसके बाद आते हैं चेंज टू योर सेंस ऑफ टेस्ट। इसको हम कंटिन्यू लेंगे तो आपके टेस्ट में चेंजेज आ जाएंगे, जो कि आप कुछ भी खाओगे तो उसका टेस्ट नहीं मतलब आपको पता चलेगा कि आप क्या खा रहे हो। आज के लिए धन्यवाद।